गाइस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ग्रो अकाउंट में हमें केवाईसी करनी पड़ती है। तो गाइस हम लोग केवाईसी करते समय कुछ ना कुछ कल दिया कर बैठते हैं, जैसे कि नाम गलत कर बैठना, नॉमिनीज नेम, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ये सारे गलती हम लोग कर बैठते हैं। तो आखिर हमें इसे किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे किस प्रकार कन्फ्यूजन हो और आसानी से अगर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं तो आप उसे किस प्रकार से सुधार कर सकते हो। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विथ माय चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस आपका बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ग्रो अकाउंट को केवाईसी करते समय मैं ये सारी गलतियां कर बैठा हूं तो इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। तो गाइस मैं केवाईसी में करते समय कौन कौन से जो गलतियां होती हैं और किस प्रकार से ठीक करते हैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो और आसानी से आप जो भी केवाईसी में गलती करते हो उसे आप आसानी से ठीक कर पाओगे। सबसे पहले केवाईसी ठीक करने के लिए अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड अगर दिया हुआ है तो पासवर्ड यहाँ पर शो करेगा। आपको पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन कर लेनी है अपने ग्रो अकाउंट में। और लॉगिन करने के बाद यहाँ से ऊपर में आप होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर नीचे में एक्सप्लोर एंड डैशबोर्ड एंड यू का ऑप्शन शो करेगा। तो आपको यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट का ऊपर जीमेल आईडी सेव करेगा और नीचे में स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स शो करेगा। तो आपको अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करनी है। तो जैसे आप अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, मटेरियल स्टेटस और जेंडर, नॉमिनीज नेम, ये सारे आपको शो करने लगेंगे। तो गाइस बहुत सारे जो केवाईसी करते समय ये सारे हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर और नॉमिनीज नेम, ये सारे गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसे मैं आसानी से किस प्रकार से ठीक कर सकता हूँ तो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला जो नाम है, आपका नाम है, उसे आपको किस प्रकार से ठीक कर सकते हो। सबसे पहले गाइस आपको बैंक में आनी है और आने के बाद यहाँ पे नीचे में गाइस यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करनी है, सर्च बॉक्स में आई वांट टू चेंज ग्रो अकाउंट नेम। जैसे गाइस यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे गाइस आपका हाउ टू चेंज माई नेम इन ग्रो अकाउंट केवाईसी यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। तो इसके ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ नीचे में सेंड टू मेल का ऑप्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे इसको आपको ऊपर क्लिक करनी है। और गाइस यहाँ पे दे दिया गया है कि यू कैन सेंड ए मेल यूजिंग द बटन वेव ब्लू एंड इट विल टेक 21 वर्किंग डेज। तो गाइस 21 जो वर्किंग डेज है, बिजनेस डे होता है, उसी डेज के अंदर में आपका जो नाम है वो ठीक कर दिया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से आपको मेल करनी होती है तो यहाँ पर सेंड मेल के ऊपर आप क्लिक करनी होती है और क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर राइज है टिकट का ऑप्शन शो करेगा और ऊपर में दे दिया गया हाउ टू चेंज माई नेम इन ग्रो एंड केवाईसी। तो गाइस उसके नीचे दिया गया है वी आर वर्किंग फ्रॉम होम अंडर आवर कोविड-19। तो गाइस कोविड-19 की वजह से जो कस्टमर केयर है ग्रो एप्लीकेशन के, वो अभी अच्छा से आपको रिस्पांस नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा से अभी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको रिस्पांस करने में थोड़ा लेट हो जाए, तो आपको घबरानी नहीं है, थोड़ा वेट करनी है। तो गाइस यहाँ पे फिर से राइजिंग ए टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपली लिखनी है आई वॉन्ट टू चेंज ग्रो अकाउंट नेम। जैसे यहाँ पर गाइस लिख कर और यहाँ से आप सेंड करोगे तो सेंड करने के बाद यू रिसीव ए रिस्पॉन्स टुमारो बाई 5 PM का टाइम दिया गया है यहाँ पास में ही। तो ये जो 5 PM टुमारो 5 PM के अंदर आपका जो रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा कस्टमर केयर के द्वारा कि आपको क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सिंपल जैसे आप यहाँ पे मेल करोगे तो गाइस मेरा जो अपना नाम चेंज किया उसके लिए मैंने मेल किया था तो आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो सिंपल जैसे आप बैक में आओगे तो यहाँ पे माई टिकट ऊपर में दाहिने साइड में माई टिकट का ऑप्शन शो करेगा तो यहाँ पे वो क्लिक करनी है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में आता हूँ और आने के बाद गाइस यहाँ दे दिया गया मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे मेल किया था तो यहाँ पे गाइस दे दिया गया है वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर टू पैन कार्ड फोटो ऑन द सेम मेल आईडी। तो गाइस यहाँ दिया गया सेम मेल आईडी से आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंड फोटो, पैन कार्ड का फोटो आपको यहाँ से शेयर करनी है। तो यहाँ पे शेयर करने के लिए यहाँ पे रिप्लाई लाइक ऑप्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से रिप्लाई करूँगा तो जो मेरा नाम है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप भी अपना मेल करके आसानी से अपना पैन का जो फोटो है वो चेंज कर, पैन कार्ड का जो फोटो है उसके साथ आपको मेल करनी है और मेल करने के बाद ही आपका जो नाम है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो दूसरा जो गाइस है वो डेट ऑफ बर्थ का है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो केवाईसी करते समय गलती अगर कर बैठते हो गाइस तो किस प्रकार से ठीक कर पाओगे, तो सिंपली आपको यहाँ बैंक में आता हूँ और आने के बाद यहाँ पे अपना जो अकाउंट है
इसे ओपन करता हूँ तो साइज गाइस आपको बता दूँ कि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रोसेस सेम है, आपको सेम प्रोसेस से आपको मेल करनी है कि मैं डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, आई वांट टू चेंज माय डेट ऑफ बर्थ डेट। और वैसे ही आप मेल करोगे तो आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, और आप डेट ऑफ बर्थ से जो भी दिए हैं डॉक्यूमेंट्स उसे आपको सबमिट करनी है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस तीसरा जो हम लोग केवाईसी करते हैं जो गलती कर बैठते हैं वो है मोबाइल नंबर। तो गाइस यहाँ मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ मोबाइल नंबर सामने ही एडिट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालकर और यहाँ पे सेंड टू ओटीपी जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे डालकर तो आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। और एक बात ख्याल रहे कि जो आप मोबाइल नंबर पर आप चेंज करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए, या अगर दूसरे मोबाइल नंबर में है दूसरे मोबाइल में है तो वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आपको वेरीफाई करनी होगी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस आता है पैन नंबर। तो पैन नंबर अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आपको पूरा ही मेल करना होगा, सेम प्रोसेस से आपको मेल करने के बाद यहाँ से पैन नंबर आपको चेंज कर दिया जाएगा, या अगर फिर से अगर केवाईसी करनी हो सकती है, क्योंकि पैन नंबर जो है गाइस आपका मैंडेटरी होता है, तो आपको पैन नंबर के लिए हो सकता है तो फिर से आपको केवाईसी करनी पड़े। उसके बाद गाइस आता है यहाँ पे मेटेरियल स्टेटस, तो आपको मेटेरियल स्टेटस तो करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंगल है या जेंडर है तो मेल फीमेल है तो आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपको नॉमिनीज नेम, तो नॉमिनीज नेम के बारे में बहुत सारा कमेंट आया था कि नॉमिनीज में अपना कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो गाइस इसके लिए अभी आपको नॉमिनीज नेम्स के लिए आपको यहाँ से आपको मेल करनी होती है। मैं अपना नॉमिनीज नेम जो गलत कर बैठा था उसके लिए मैंने मेल किया था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट को आपको क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे माय टिकट रियाइजिंग पर क्लिक करनी है, और यहाँ पे गाइस दे दिया हूँ मैं नॉमिनीज नेम, तो यहाँ पे मेरा नाम अपना जो नॉमिनीज नेम है उसे मैं यहाँ पे हटानी थी, तो यहाँ पे नॉमिनीज नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नॉमिनीज नेम दे दिया गया है गाइस। तो यहाँ पे हाउ टू ऐड नॉमिनीज नेम, जैसे यहाँ पे नॉमिनीज पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे नॉमिनीज के बारे में आपको पूछा जाएगा कि आप किसे देना चाहते हो, तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करनी है, उसके बाद ही 21 जो वर्किंग डेज है उसके बाद आपका जो नॉमिनीज नेम है जो उसे चेंज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जितने सारे गाइस KYC है आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, आपको कस्टमर केयर के कॉन्टेक्ट में रहनी है और आसानी से आप चेंज करा सकते हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया हो कि ये सारे जो KYC हम लोग गलती करते हैं वो आसानी से किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो और अब नया में अपडेट कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए, और रजिस्ट्रेशन और वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।